Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007 and the design of welded connections in great detail. We've also discussed advantages and disadvantages of welded connections, types of welds, weld defects and types of fillet welds. So in this lecture, we'll be discussing terminology based on IS 800-2007 for fillet welds. तो सबसे पहले term आती है size of the weld. तो code का clause 10.5.2 जो है वो हमें क्या define करता है? Size of the weld define करता है. और वो clause 10.5.2.1 में हमें बताता है कि size of the weld क्या होता है. तो size of the weld क्या है? The size of normal fillets shall be taken as the minimum weld leg size. तो minimum weld leg size जो है उसको हम क्या मान लेंगे? Size of the weld मान लेंगे. तो पहले leg length देख लेते हैं क्या होती है. जब आपके पास कोई एक weld है, fillet weld है, तो उसमें एक root होगी जो red dot से represented है और जो ये corners form हो रहे हैं ये क्या है आपके toes. तो ये T1 है और ये T2 है. तो जो डिस्टेंस है किसी रूट से लेके टो तक उसे हम क्या बोलते हैं? लेग. तो हमारे पास दो टोज हैं तो हमारे पास क्या बनेंगी? दो लेग्स बनेंगी. सो रूट टू T1 इज लेग 1 एंड रूट टू T2 इज लेग 2. अब कोड बोलता है कि इन लेग्स में से जो भी मिनिमम साइज होगा वो क्या बन जाएगा मेरा? साइज ऑफ द वेल्ड. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो लेग्स हैं. लेग 1 का मैंने डायमेंशन बोला कि 10 mm है, लेग 2 कितना है? 12 mm. तो मिनिमम लेग साइज हमारे पास कितना हो गया? मिनिमम लेग साइज इज इक्वल टू 10 mm. तो साइज ऑफ द वेल्ड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो साइज ऑफ द वेल्ड भी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 10 mm, क्योंकि वो मिनिमम लेग साइज है. तो ये हो गई हमारी साइज ऑफ द वेल्ड को डिटर्मिन करने का तरीका. तो अगर आपके पास कोई वेल्ड दिया है तो आप उसका कैसे डिटरमिन करेंगे साइज ऑफ द वेल्ड? जो भी आप लेग साइज हैं उनको मेजर करेंगे और उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका साइज ऑफ द वेल्ड हो जाएगा. अब देखते हैं जब आप डीप पेनिट्रेशन वेल्ड्स की बात करें. सो सेम क्लॉज 10.5.2.1 बोलता है कि फॉर डीप पेनिट्रेशन वेल्ड्स, डीप पेनिट्रेशन वेल्ड्स अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर में देखें तो यहाँ पे ये जो वेल्ड की पेनिट्रेशन है वो क्या है? डीपर है. अगर आप प्रीवियस फिगर देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल अलोंग द लाइन है, जो मेंबर है उसी के साथ ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है, पर इस पर्टिकुलर फिगर में ये जो वेल्ड का लाइन है, ब्लैक लाइन है, वो इस डॉटेड लाइन से काफी दूर है. तो इन्हें बोला जाता है डीप पेनिट्रेशन वेल्ड्स. वेयर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बियॉन्ड द रूट रन इज अ मिनिमम ऑफ 2.4 mm. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका रूट से, रूट कहाँ थी हमारी? ये हमारी रूट है. इसके नीचे अगर आप 2.4 mm से ज़्यादा जा रहे हैं, अगर ये जो आप डिस्टेंस है ये 2.4 mm से ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप जो साइज है वेल्ड का उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी. वो मॉडिफिकेशन क्या है? लेग का जो मिनिमम साइज है तो वो ऐड करेंगे प्लस 2.4 mm ऐड करेंगे, तभी आपके पास क्या आएगा? साइज ऑफ द वेल्ड आएगा. तो यहाँ पे साइज ऑफ द वेल्ड थोड़ा वेरी कर गया है. डीप पेनिट्रेशन के केस में साइज ऑफ द वेल्ड कितना हो गया है? मिनिमम लेग साइज प्लस 2.4 mm, क्योंकि लेग साइज तो अभी भी क्या है? लेग साइज तो अभी भी इस जॉइंट रूट से लेके टो तक है, T1 तक है एंड T2 तक है. तो जो भी इसमें से मिनिमम होगा उसमें आप क्या ऐड कर देंगे? 2.4 mm ऐड कर देंगे एज पर क्लॉज 10.5.2.1. फिर वो बोलता है क्लॉज 10.5.2.2 में फॉर फिलेट वेल्ड्स मेड बाय सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक प्रोसेसेस वेयर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज कंसिडरेबली इन एक्सेस ऑफ 2.4 mm. तो द साइज ऑफ द साइज शैल बी टेकन कंसिडरिंग एक्चुअल डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड द कॉन्ट्रैक्टर. तो वो कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका जो वेल्ड है वो काफी डीप है, आप जब उसको ऑटोमेटिक मशीनरी से बना रहे हैं या सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी से बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमारी डेप्थ है वेल्ड की वो बहुत ज्यादा है.
तो अगर आपकी बहुत ज्यादा डेप्थ है वेल्ड की, तो आप साइज ऑफ द वेल्ड को कितना मान सकते हैं? आप ये पूरा टोटल साइज भी मान सकते हैं, पर ये किसके कंडीशन पे है? अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो क्लाइंट है वो अग्री करते हैं, तो आप साइज ऑफ द वेल्ड को एक्चुअल ये ब्लू लाइन के इक्वल भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे कोड ने आपको फ्रीडम दे दिया है क्लॉज 10.5.2.2 पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि साइज ऑफ द वेल्ड तो हमें पता चल गया, बट कुछ कोड ने कुछ मिनिमम साइज डिफाइन करा है कि इससे कम साइज आपका नहीं होना चाहिए वेल्ड का, ताकि वेल्ड में एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ रहे। सो क्लॉज 10.5.2.3 बोलता है, द साइज ऑफ द वेल्ड शैल नॉट बी लेस देन 3 mm। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 mm से छोटा आपका कोई भी वेल्ड नहीं होगा। ये पूछा जाता है MCQs में, जहां पे आपको कोड अलाउड नहीं है, तो वहां पे आपको पूछेंगे कि मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड क्या है एज पर IS 800/2007। इट इज 3 mm। द मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और ऑफ अ सिंगल रन फिलेट वेल्ड शैल बी गिवन एज इन टेबल 21। तो फर्स्ट रन का क्या मतलब है? जब भी आप कोई दो मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे हम इन दो मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं, हम कुछ वेल्ड बना रहे हैं। तो जब आप वेल्ड बनाओगे, तो हम वेल्ड को इस तरीके से बना सकते हैं कि आपने एक बारी वेल्डिंग करी, ये हमारी वेल्डिंग हो गई है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं और सेकेंड रन। तो ये क्या हो जाएगा, जो रेड वाला है ये हमारा फर्स्ट रन हो गया, और येलो वाला क्या हो गया, हमारा सेकंड रन। मतलब एक ही पॉइंट पे आप दो बारी वेल्डिंग कर रहे हो। ये हम क्यों करते हैं, जब हमारे को ये जो थ्रोट थिकनेस है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये अटेन करना एक बारी में मुश्किल हो जाए। तो एक बारी में आप रिक्वायर्ड थ्रोट थिकनेस नहीं अटेन करें, तो हम क्या करते हैं, डबल रन्स करते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हम डबल रन्स करते हैं। तो ये जो ये टेबल 21 है, ये टेबल 21 बोलता है मिनिमम साइज। तो सबसे पहले तो मिनिमम साइज हमें कौन दे रहा है वेल्ड का, टेबल 21। मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन और सिंगल रन फिलेट वेल्ड्स। फर्स्ट रन मतलब कि जब अगर आपके पास दो बारी में बन रहे हैं फिलेट वेल्ड्स, तो जो पहला रन होगा उसकी बात हो रही है। और अगर आप एक ही बारी में अपना फिलेट वेल्ड बना दे रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं बना रही हूँ और मैं एक ही बारी में उसको कंप्लीट कर दे रही हूँ, मैं दोबारा नहीं करूंगी, तो उस केस में आपका कितना साइज होना चाहिए मिनिमम वेल्ड का? द मिनिमम साइज ऑफ द फर्स्ट रन और ऑफ अ सिंगल रन फिलेट वेल्ड शैल बी गिवन एज पर टेबल 21। अब ये क्यों दिया जा रहा है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ क्रैकिंग इन द एब्सेंस ऑफ प्री हीटिंग। तो ये टर्म अभी हम डिस्कस करेंगे, इस लाइन का मतलब डिस्कस करेंगे, बट आपने ध्यान रखना है कि ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब देखते हैं, वो बोल रहा है सीरियल नंबर हमें दे दिया है, थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट। अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम बोर्ड्स डिस्कस कर रहे थे तो हम हमेशा थिनर पार्ट को कंसिडरेशन में ला रहे थे, पर यहाँ पे हम किसको कंसिडरेशन में ला रहे हैं, थिकर पार्ट को कंसिडरेशन में ला रहे हैं। तो वो बोल रहा है थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, तो ओवर इस ये थिकनेस मिनिमम थिकनेस है, और ये अप टू एंड इंक्लूडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू एंड इंक्लूडिंग मतलब 10 mm जो है वो कौन सी वाली रो में फॉल करेगा, वो इस रो में फॉल करेगा। अगर आपकी प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm, यहाँ पे भी ऑल्दो 10 mm लिखा है, पर ये इंक्लूडिंग नहीं है। तो ये क्या है, 10.1 हुई तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर 10 हुई तो कहाँ आएगी, इधर आएगी, फर्स्ट रो में आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग कहाँ लिखा है। फिर वो बोलता है जो भी आपका मिनिमम साइज है, 0 mm तो पॉसिबल नहीं है, 4 mm की प्लेट है, 2 mm की प्लेट है, 6 mm की प्लेट है, 2 mm एंड 4 mm जनरली नहीं होती है, 6 mm हम मिनिमम यूज करते हैं। बट जो भी आप मिनिमम साइज प्लेट का यूज कर रहे हैं, अप टू 10 mm, तो मिनिमम साइज कितना होना चाहिए उस केस में वेल्ड के, 3 mm, वो भी किसका, थिकर पार्ट का। तो मान लीजिए कि मैं दो प्लेट्स को कंबाइन कर रही हूँ, एक प्लेट का साइज है 8 mm और एक प्लेट का साइज है 6 mm। मैंने दो प्लेट्स ली और मैंने इनको कंबाइन कर दिया, एक 6 mm की है, एक 8 mm की है। तो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड कौन डिसाइड करेगा मेरे लिए, थिकर पार्ट। थिकर पार्ट कौन है, 8 mm। थिकर प्लेट कौन सी है, 8 mm की। 8 mm वाली प्लेट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो एस मिनिमम, मिनिमम आपको कितना इसको वेल्ड लेंथ साइज वेल्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, 3 mm। वैसे ही 10
एंड 20 mm, तो उस केस में कितना है 5 mm. 20 mm तो 232 mm कितना है 6 mm. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन थिकर प्लेट्स और थिनर प्लेट के साइज को वेरी करा दूं, मेरे पास ये जो थिकर प्लेट है ये 20 mm की है और थिनर प्लेट 16 mm की है, तो यहाँ पे या 22 mm कर देते हैं इसको, थिकर प्लेट 22 mm की है और थिनर प्लेट 16 mm की है. तो आप देखें कि हम कौन सा वाला कैटेगरी चूज करेंगे. कैटेगरी चूज करने के लिए मुझे पहले क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा थिकर प्लेट कौन सी है. तो थिकर प्लेट कौन सी है 22 mm. अब मैं देखूंगी 22 mm कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, कौन से रो में फॉल कर रही है. तो 22 32, इसके बीच में कहीं 22 आएगा, तो आपका मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड इस केस के लिए हो जाएगा 6 mm. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हम कैसे यूज कर रहे हैं ये 10. अगर एग्जैक्टली 20 होती इसकी वैल्यू, तो एग्जैक्टली 20 होती तो मैंने कौन से रो में देखना था, तब फिर मैंने इसको ऊपर वाले रो में देखना था, मतलब फिर मैं इसको इस रो में कंसिडर करती, क्योंकि इंक्लूडिंग 20 कहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, इस पर्टिकुलर रो में इंक्लूड हो रहा है. और आपका साइज कितना हो जाता, हमारा साइज हो जाता मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड वाज विल बी इक्वल टू 5 mm. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब यहाँ पे 32 mm टू 50 mm में वो कह रहा है 8 ऑफ फर्स्ट रन एंड 10 mm फॉर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड. तो 32 और 50 के लिए मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड क्या रहेगा, 10 mm रहेगा. तो और अगर फर्स्ट रन है तो फर्स्ट रन के लिए कितना रहेगा, 8 mm रहेगा. तो यहाँ पे 32 और 50 के बीच में आपको मिनिमम साइज दे दिया है. 50 के ऊपर आपको कोई साइज नहीं दिया है, 50 के ऊपर वो बोलता है आपको नोट में क्या इंफॉर्मेशन देता है. तो नोट में टेबल 21 बोलता है, व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड गिवन इन टेबल इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट. ये वाला अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले नीचे वाला कोट देख लेते हैं. When the thicker part is more than 50 mm thick, अगर 50 mm, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो कहाँ तक है, सिर्फ 50 mm तक है. अगर आपका जो थिकर पार्ट है वो 50 mm से बड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी होगी, जैसे कि प्री हीटिंग. सो स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन लाइक प्री हीटिंग. और अगर आप वापस इस स्टेटमेंट पे आए तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि टेबल 21 हमें कौन सी वैल्यूज दे रहा है, जहां पे आपने अवॉइड करना है द रिस्क ऑफ क्रैकिंग इन द एब्सेंस ऑफ प्री हीटिंग. मतलब 50 mm तक अगर आप प्री हीटिंग नहीं कर रहे हैं अपनी प्लेट को, तो ये वाले मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड आपको प्रोवाइड करने होंगे. अगर आप यहाँ पे आपको प्री हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इतने साइज का वेल्ड प्रोवाइड कर देंगे तो क्रैकिंग का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा. पर अगर आप 50 mm से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्री हीटिंग करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 50 या 60 mm की प्लेट यूज करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, प्री हीटिंग करनी होगी. अगर मैं बिना प्री हीटिंग के यहाँ पे वेल्ड प्रोवाइड कर दूंगी, तो क्या हो जाएगी, क्रैकिंग हो जाएगी. अब आते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे, नोट्स पे. ये टेबल 21 की ही कॉन्टिन्यूएशन है, जो यहाँ पे ये नोट्स दिए हैं ये आपके कोड में टेबल 21 के नीचे दे रखे हैं. सो व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड गिवन इन द टेबल इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट, द मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड शुड बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट. द थिकर पार्ट शैल बी एडिक्वेटली प्री हीटेड टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ऑफ द वेल्ड. सो इसका क्या मतलब है, फिगर से देखते हैं. यहाँ पे आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है 25 mm की और दूसरी प्लेट है 10 mm की. तो वो बोल रहा है कि आप क्या चूज करो, साइज ऑफ द वेल्ड चूज करो, मिनिमम साइज. तो एस मिनिमम कितना हो जाएगा, एस मिनिमम हम लेंगे 25 थिकर प्लेट के अकॉर्डिंग. तो 25 mm के अकॉर्डिंग अगर आप टेबल में चेक करें तो 25 mm कहाँ फॉल करता है, 22 32 के बीच में फॉल करता है. तो आपको वेल्ड का साइज कितना प्रोवाइड करना होगा, वेल्ड का साइज टू बी प्रोवाइडेड विल बी इक्वल टू 6 mm मिनिमम. वैसे ही अब दूसरा केस देखते हैं. दूसरे केस में वो बोलता है कि आपके पास 12 mm की थिकर प्लेट है और 4 mm की थिनर प्लेट है या पार्ट है, कोई भी आप मेंबर मान सकते हैं जो 4 mm थिक है. तो इस केस में अगर आप 12 mm के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 12 mm के हिसाब से हमें कितना प्रोवाइड करना होगा, 5 mm प्रोवाइड करना होगा. तो
एज पर टेबल 21 हमारे पास जो साइज ऑफ द वर्ल्ड है, मिनिमम साइज ऑफ द वर्ल्ड है, वो कितना रिक्वायर्ड है? 5 mm रिक्वायर्ड है। पर अब आप ये फुटनोट फिर से देखें, फुटनोट में बोलता है कि अगर मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वर्ल्ड जो है, जो टेबल 21 से आ रहा है, वो बड़ा है किससे? ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो थिनर पार्ट की क्या थिकनेस है? टी मिनिमम कितना है? टी मिनिमम तो है इक्वल टू 4 mm। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास रिक्वायरमेंट 5 mm की वेल्ड की है, पर आपके पास जो पतला पार्ट है, जो थिनर पार्ट है, वो कितने mm का है? 4 ही mm का है। तो कोड बोलता है कि उस केस में जो मिनिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा थिनर पार्ट के थिकनेस के इक्वल। मतलब आप सिंपली एस मिनिमम को उस केस में किसके इक्वल ले लेंगे? टी मिनिमम के इक्वल ले लेंगे, जो यहाँ पे किसके इक्वल हो गया है? 4 mm के इक्वल हो गया है। सो दिस विल बी योर आंसर। ये एक ट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि इस पर्टिकुलर केस के लिए मिनिमम जो वेल साइज है वो बताएं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर टेबल 21 से जो रिक्वायर्ड मिनिमम साइज आ रहा है वो आपके थिनर पार्ट से बड़ा है। थिनर पार्ट से मतलब है कि 4 mm आपका थिनेस्ट पार्ट है, थिनर प्लेट 4 mm की है, और जो आपका वेल्ड साइज रिक्वायर्ड है वो 5 mm का है। तो इस केस में आप एस मिनिमम ये नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप क्या प्रोवाइड करेंगे? एस मिनिमम विल बी इक्वल टू टी मिनिमम, और इस केस के लिए वो कितना हो गया है? 4 mm। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली फॉर MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया टेबल 21 से एस मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम साइज कैसे आएगा। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्ल्ड के लिए कोड देता है हमें क्लॉज 10.5.8। तो क्लॉज 10.5.8 बोलता है द फिलेट वर्ल्ड अप्लाइड टू द एज ऑफ अ प्लेट और सेक्शन। तो यहाँ पे वो हम अपनी हेडिंग में ही क्या इंक्लूड कर दे रहा है? एज ऑफ द प्लेट। एज ऑफ द प्लेट मतलब कि उसने बोला है कि आपका एज कैसा है प्लेट का, वो डिटरमिन करेगा कि आपका मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्ल्ड क्या है। सो क्लॉज 10.5.8.1 में वो बोलता है वेयर अ फिलेट वर्ल्ड इज अप्लाइड टू द स्क्वेयर एज ऑफ अ पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है टर्म, स्क्वेयर एज ऑफ अ पार्ट। द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द फिलेट वर्ल्ड शुड बी जनरली एट लीस्ट 1.5 mm लेस देन द एज थिकनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉशिंग डाउन ऑफ द एक्सपोज्ड एरिस। तो यहाँ पे आपको फिगर 17.A को रेफर करने के लिए बोला है। तो ये फिगर 17.A है कोड का, फिलेट वेल्ड ऑन स्क्वेयर एजेस। स्क्वेयर एजेस क्या हुए? जो एज आपके इस तरीके से शार्प हैं, तो ये स्क्वेयर एज हुआ। तो कहता है कि अगर आपका कोई स्क्वेयर एज है तो उस केस में जो आप प्रोवाइड कर वो क्या होना चाहिए? जो भी थिनर प्लेट है उस प्लेट की थिकनेस से 1.5 mm कम रखें। तो 1.5 mm का मतलब अगर आपकी थिनर प्लेट सपोज 10 mm की है, लेट्स से 10 mm की थिनर प्लेट थी, तो आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है वो कितना होना चाहिए? 10 mm से कितना माइनस करना है आपने? 1.5 mm माइनस करना है। मतलब आपका मैक्सिमम साइज ऑफ द वर्ल्ड कितना हो सकता है? 8.5 mm। ये क्या है? अगर आपका जो एज है वो एज कैसा है? स्क्वायर एज है। तो यहाँ पे हमने कितने का गैप छोड़ दिया है? यहाँ पे हम 1.5 mm का गैप छोड़ रहे हैं, जैसा आपको कोड फिगर में शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके पास थिनर प्लेट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी प्लेट की बात कर रहे हैं? थिनर प्लेट की बात कर रहे हैं। तो दिस इज माय टी मिनिमम, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एस मैक्सिमम फॉर अ स्क्वायर एज। यहाँ पे मैंने एस क्यू लिख दिया बताने के लिए स्क्वायर एज। तो मैं क्या करूंगी, टी मिनिमम में से क्या माइनस कर देंगे? 1.5 mm माइनस कर देंगे। तो 1.5 mm माइनस कर दिया, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? एस मैक्सिमम फॉर अ स्क्वेयर एज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये किसमें एक्सप्लेन किया है? फिगर 17.A ऑफ द कोड।
ये क्यों दिया है, हमने ये 1.5 mm क्यों छोड़ा है, वो बोल रहे हैं कि 1.5 mm का हम गैप इसलिए रख रहे हैं टू अवॉइड वॉशिंग डाउन ऑफ द एक्सपोज्ड एरिस। तो ये जो भी है आपका जो एक्सपोजर है, इसकी वजह से आपका वेल्ड क्या कर सकता है, टूट सकता है। तो हमने क्या करा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1.5 mm का गैप छोड़ दिया है। और दूसरा हम ये गैप छोड़ते हैं इंस्पेक्शन के लिए कि आप इसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर सके अपने फिलेट वेल्ड को। तो इंस्पेक्शन के लिए भी ये 1.5 mm का गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट वो बोलता है कि अगर आपका ये फॉर्मूला यूज करना है अगर आपने, तो आप ये कब यूज कर सकते हैं, जब मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड प्लस 1.5 mm जो है वो किससे कम है, टी मिनिमम से कम है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, अगर आप 10 mm और 12 mm की प्लेट ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं 10 mm और 12 mm की प्लेट है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरे पास एस मिनिमम कितना होगा। एस मिनिमम हम टेबल 21 से देखते हैं, 10 mm और 12 mm की प्लेट के लिए एस मिनिमम थिकर पार्ट से आएगा। थिकर पार्ट मतलब 12 mm यहाँ फॉल करेगा, आपका साइज कितना है 5 mm, तो एस मिनिमम कितना हो गया मेरे पास इक्वल टू 5 mm। तो वो कह रहा है कि एस मिनिमम कितना हो गया 1.5 mm, सॉरी 5 mm। अब आपने एस मैक्स कैलकुलेट करना है, तो एस मैक्स के लिए हमने बोला था कि एस मैक्स क्या हो सकता है, टी मिनिमम। टी मिनिमम कितना है, 10 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 8.5 mm। तो इस केस में तो ये सेटिस्फाइड है, इस केस में आप एस मिनिमम और एस मैक्स यूज कर सकते हैं। पर अगर आपका एस मिनिमम 10 mm के बजाय कितना होता, 6 mm होता, लेट्स से ये 10 mm के बजाय कितना है 6 mm, तो हमारे पास एस मिनिमम की वैल्यू अभी भी क्या आनी थी, एस मिनिमम की वैल्यू अभी भी 5 mm आनी थी, क्योंकि वो तो कौन डिसाइड कर रहा है, थिकर पार्ट डिसाइड कर रहा है, 12 mm डिसाइड कर रहा है, तो एस मिनिमम अभी भी क्या था, 5 mm था। पर एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जानी थी, एस मैक्स कौन डिसाइड कर रहा है, एक्स मैक्स डिसाइड कर रहा है टी मिनिमम, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1.5 विच विल बी इक्वल टू 4.5 mm। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कम है और मिनिमम वैल्यू आपकी ज्यादा है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या ले लेंगे, एस मैक्स को इक्वल टू टी मिनिमम ले लेंगे। उस केस में आप माइनस नहीं करेंगे 1.5। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसा नहीं आप कर सकते कि आपका जो थिनर प्लेट थी उसमें से आपने 1.5 हमेशा माइनस करना ही करना है, क्योंकि कोड ने ऐसा बोला है। वो कब करना है, जब आपके इसमें कोई रेंज फॉर्म हो रही है, 5 mm एस मिनिमम से ये बड़ा है। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो वो क्या कंडीशन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपका जब भी आप ये यूज करें तो आप चेक करें, आप सिंपली चेक लगा सकते हैं, क्या चेक है, एस मिनिमम। एस मिनिमम हमारा 5 mm आया था, प्लस 1.5 mm मैंने किया, तो मेरे पास कितना हो गया 6.5 mm। अगर 6.5 mm जो है, अगर 10 mm की प्लेट थी, इट इज लेस देन 10 mm, तो इट इज ओके। पर जब हम 6 mm की प्लेट यूज कर रहे थे मिनिमम, तो इज इट लेस देन 6 mm, नो इट इज नॉट लेस देन 6 mm, तो मतलब ये यूज नहीं हो सकता है। तो आपने ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते। तो मिनिमम प्लेट जो थिकनेस है प्लेट की, वो भी आपका एस मैक्स कैलकुलेट करने में रोल प्ले करेगी, और आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको लॉजिक यूज करना होगा। आपका एस मैक्स एस मिनिमम से बड़ा नहीं हो सकता है। सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। अब देखते हैं क्लॉज 10.5.8.2। क्लॉज 10.5.8.2 में कोड बोलता है कि वेयर द फिलेट वेल्ड इज अप्लाइड टू द राउंडेड टो ऑफ अ रोल्ड सेक्शन। इंपॉर्टेंट, रोल्ड सेक्शंस हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करे थे। रोल्ड सेक्शंस में क्या होता है, जो एजेस होते हैं वो क्या होंगे, रोल्ड होंगे, राउंडेड एजेस होंगे, इस तरीके से एजेस होंगे। तो वो कह रहा है कि अगर आपके राउंडेड एजेस हैं तो आप ये पिछला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। पिछला फॉर्मूला सिर्फ किस लिए था, स्क्वेयर एजेस के लिए था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द वेल्ड शुड जनरली नॉट एक्सीड। यहाँ पे नॉट एक्सीड से पता चल रहा है कि मैक्सिमम साइज दे रहा है 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द सेक्शन ऑफ द टो।
तो जो सेक्शन ऑफ द टो है, मतलब ये जो आपके पास टोटल थिकनेस है हमारे मेंबर की, उसमें एस मैक्स कितना हो जाएगा? एस मैक्स विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ टी मिनिमम, जो भी आपका एंगल है या कोई रोल सेक्शन है उसका जो भी थिकनेस यूज हो रहा है, नॉमिनल थिकनेस आप उसकी लेंगे जो हमें स्टील टेबल से मिलती है। अगर एंगल की बात हो रही है तो स्टील टेबल से आप किसी भी रोल सेक्शन की थिकनेस उठा सकते हैं जो नॉमिनल थिकनेस है, और उसका आपने एस मैक्स कितना ले लेना है? 3/4। तो यहाँ पे हम जो ऊपर इंस्पेक्शन के लिए या जो फ्लशिंग के लिए जो स्पेस छोड़ रहे हैं कि ना हो, वो 1/4 ऑफ टी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1/4 ऑफ टी। पिछले केस में 1.5 mm था, यहाँ पे कितना है? 1/4 ऑफ टी। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर रोल सेक्शन। रोल स्टील के लिए आपके पास सीधे एस मैक्स कितना आ जाएगा? इक्वल टू 3/4 ऑफ टी रोल्ड सेक्शंस। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज के बीच में आपका वेल्ड साइज होगा कहीं पे। तो एस मिनिमम हमने देख लिया, एस मैक्सिमम हमने देख लिया, और बीच में हम कोई साइज सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमने अज्यूम करना होगा इस रेंज के विदिन। अब हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देता है मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड के लिए कि मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज प्रोवाइडेड ओनली सो दैट द फिलेट वेल्ड डिवेलप्स टोटल स्ट्रेंथ विदाउट ओवर स्ट्रेसिंग द एडजेसेंट मटीरियल। हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं एक मैक्सिमम साइज की, एक लिमिट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं वेल्ड की? नहीं तो अगर देखा जाए तो जितनी ज्यादा वेल्ड का साइज उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पर वो क्या कह रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा साइज, मैक्सिमम साइज अगर आप लिमिट नहीं लगाएंगे तो जो एडजेसेंट मेटल है वो क्या कर जाएगा? ओवर स्ट्रेस कर जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ा वेल्ड भी प्रोवाइड करना हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं होता है। वेयर द साइज स्पेसिफाइड फॉर अ फिलेट वेल्ड इज सच दैट द पेरेंट मेटल विल नॉट प्रोजेक्ट बियॉन्ड द वेल्ड, नो मेल्टिंग ऑफ आउटर कवर और कवर शैल बी अलाउड टू अकर टू सच एन एक्सटेंट एज टू रिड्यूस द थ्रोट थिकनेस, सी फिगर 18। तो फिगर 18 जो है कोड का, वो आपको ये तीन केसेस दे रहा है। हम इन केसेस को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस है, इसमें जो वेल्ड प्रोवाइड किया गया है, इस वेल्ड में आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ री इन्फोर्समेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके ऊपर जो मेटल फॉर्म होता, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? री इन्फोर्समेंट बोलते हैं। तो ये जो री इन्फोर्समेंट मैंने येलो से शेड करी है, ये हमें प्रोवाइडेड है। तो ये बोलता है कि ये डिजायरेबल है कि थोड़ी सी री इन्फोर्समेंट हमारे वेल्ड के ऊपर होनी चाहिए, कॉन्वेक्स जो शेप है वो होनी चाहिए, री इन्फोर्समेंट हमारे डिजायरेबल है। फिर वो बोलता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो रीइन्फोर्समेंट है वो बहुत ज्यादा है, इसके लेवल से ऊपर चला गया है, एक्स्ट्रा रीइन्फोर्समेंट है। पर वो क्या कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि फुल थ्रोट थिकनेस हमें मिल रही है। थ्रोट थिकनेस क्या है? ये वाली जो थिकनेस है, ये क्या हो जाएगी आपकी? थ्रोट थिकनेस। तो ऑल्दो आपने एक्स्ट्रा रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करी है, आप मेटल ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर आप थ्रोट थिकनेस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है। पर यहाँ पे इसको मना कर देता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? अगर मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ तो वो बोल रहा है कि जो फिगर कोड ने हमारे लिए बनाया है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया है। और वो कह रहा है कि अगर आपका वेल्ड कुछ इस तरीके से है, कॉनकेव है, पर साथ में जो हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है उसके नीचे है आपका वेल्ड मटेरियल, मतलब वेल्ड मटेरियल सिर्फ यहाँ पे है। यहाँ मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बना रही हूँ, कोड ने इतना एग्जैजरेट नहीं किया है, मैं जस्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर ऐसा आपका वेल्ड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक्स्ट्रा मेटल हो, ये नहीं कि इसके नीचे हो। अगर आप यहाँ देखें तो डॉटेड लाइन ऊपर है और जो सॉलिड लाइन है वो स्लाइटली नीचे है। सो नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड थ्रोट थिकनेस। यहाँ पे थ्रोट थिकनेस कितनी आई मेरे पास? सिर्फ इतनी सी आई जो ये ब्लैक में मैं शो कर रही हूँ। तो हमने थ्रोट थिकनेस रिड्यूस कर दी, थ्रोट थिकनेस रिड्यूस कर दी मतलब मैंने स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज नॉट डिजायरेबल। व्हेन फिलेट वेल्ड्स आर अप्लाइड टू द एज ऑफ द प्लेट और सेक्शन इन मेंबर सब्जेक्ट टू
डायनेमिक लोडिंग, जब डायनेमिक लोडिंग की बात हो रही है, द फिलेट वेल्ड शैल बी ऑफ फुल साइज विद इट्स लेग लेंथ इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट और सेक्शन विद लिमिटेशन स्पेसिफाइड इन 10.5.8.3। तो हम क्या चाह रहे हैं, जब भी डायनेमिक लोडिंग होगी तो आपका जो थ्रोट थिकनेस है वो फुल साइज का होना चाहिए, लेग लेंथ फुल साइज की होनी चाहिए, एक्सेप्ट आप ये वाली पर्टिकुलर केस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी के दो केसेस क्या है, एक्सेप्टेबल है, ये डिजायरेबल है और ये क्या है, एक्सेप्टेबल। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स हैं। थिकर प्लेट्स डिसिपेट हैवी हीट वर्टिकली। अब जो मोटी प्लेट्स हैं हम क्यों यूज कर रहे हैं उनको टेबल 21 में, क्योंकि जो थिकर प्लेट है वो वर्टिकली भी अपनी हीट डिसिपेट करता है जो वेल्डिंग की वजह से आई है, और साथ में कैसे करता है, हॉरिजॉन्टली भी करता है। तो जो हीट जनरेट हो रही है जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो कैसे डिसिपेट हो रही है, वर्टिकली भी हो रही है और हॉरिजॉन्टली भी हो रही है। सो जो थिकर प्लेट है वो क्या करेगा, जो हीट है उसको फटाफट से लूज कर देगा, हीट फटाफट से डिसिपेट हो जाएगी तो ठंडा वो जल्दी हो जाएगा। इस वजह से थिकर प्लेट्स में फ्यूजन नहीं हो पाती है ढंग से। और जो थिनर प्लेट्स होती हैं, थिनर प्लेट्स में क्यों हो पाती है फ्यूजन ढंग से, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है हीट डिसिपेट करने के लिए। जब रास्ते कम होंगे तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा रास्ते हैं तो यहाँ पे स्पीड हीट को खत्म होने की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। Therefore, minimum and maximum weld sizes are stipulated for proper fusion. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, minimum और maximum sizes decide करते हैं। Next है, usually the weld size closer to the minimum size is selected. अब आप जब हम अज्यूम करेंगे S minimum और S maximum के बीच में, तो वो बोलता है कि हम किसके क्लोज रहते हैं, हम क्लोज रहते हैं S minimum के। क्यों? क्योंकि लार्ज वेल्ड्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं एक से ज्यादा रन। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि अगर आपके पास रन का क्या मतलब है, एक बार ही आपने वेल्डिंग कर दी, उसके बाद सेकंड रन में आप क्या करेंगे, एक और बार ऊपर से वेल्डिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहले रेड वाली वेल्डिंग करी फिर येलो वाली वेल्डिंग करी। तो वो कह रहा है कि अगर आप बहुत लार्ज एस मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, एस मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, तो आपको टू और मोर पासेस देने पड़ेंगे, दो या दो से ज्यादा रन्स देने पड़ेंगे या पासेस देने पड़ेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें द वेल्डिंग विच मीन्स दैट आफ्टर द फर्स्ट रन, फर्स्ट रन के बाद चिपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द वेल्ड इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्लैग। आपको क्या करना होगा, पहले वेल्ड को चिप करना होगा, मतलब थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करना होगा, तभी दूसरा वेल्ड टिकेगा। और जो स्लैग, लास्ट लेक्चर में हमने जब डिफेक्ट्स करे थे तो स्लैग इंक्लूजन पढ़ा था, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सारा स्लैग क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वो स्लैग क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना सेकेंड रन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकेंड रन प्रोवाइड करने से पहले हमें बहुत मेहनत लगती है, जो मेहनत जनरली फील्ड पे इग्नोर की जा सकती है और आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। इसलिए जो हम अज्यूम करते हैं वेल्ड का साइज वो किसके करीब करते हैं, अराउंड एस मिनिमम, ताकि एक ही रन में मेरा जो वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो सके, मुझे दूसरे पास की जरूरत या दूसरे रन की जरूरत ना पड़े। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कॉनकेव वेल्ड्स जो हैं वो एफिशिएंट होते हैं, पर क्या इशू है, इशू ये है कि कॉनकेव वेल्ड्स में पेनिट्रेशन जो है वो कम होती है, जो थ्रोट थिकनेस है वो कम होती है, ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। और हमने ये भी देखा था कि कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं और उसमें लेस मटीरियल भी यूज होता है। और तो पर इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम हमेशा प्रिफर करते हैं कि हम कॉन्वेक्स वेल्ड को फेवर करें। तो आप एम करेंगे कि आप हमेशा क्या बनाएं, कॉन्वेक्स वेल्ड बनाएं। कॉनकेव वेल्ड देखने में बड़े लगते हैं पर एक्चुअल में उनकी पेनिट्रेशन कम होती है, स्मॉल थ्रोट थिकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करने को बोला गया है वो है, फिलेट वेल्ड इज डिजाइन व्हेन मेंबर्स ऑफ टू इन टू डिफरेंट प्लेन्स आर जॉइंट। ये हमें पता है, दो मेंबर्स डिफरेंट प्लेन्स में जॉइन हो रहे हैं तब हम क्या यूज करते हैं, फिलेट वेल्ड यूज करते हैं। पर जो शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस जो है वो इन जॉइंट्स के लिए क्रिटिकल है। तो अगर आपके पर्टिकुलर इस मेंबर पे शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो आप फिलेट वेल्ड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिलेट वेल्ड शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकता। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू।
थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.